राजधानी में जयपुर पुलिस के अभियान क्लीन स्वीप का असर अब साफ नजर आने लगा है। अवैध मादक पदार्थ और ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ शुरू हुए इस अभियान में पुलिस ने इतनी ज्यादा सख्ती बढ़ा दी है कि अब ड्रग्स माफिया पुलिस से बचने के लिए महिलाओं को इस काम में आगे करने लगे हैं। लेकिन कमिश्नरेट स्पेशल टीम अब महिला तस्करों को भी लगातार गिरफ्तार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी में वर्ष 2019 में जयपुर कमिश्नरेट ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों और ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ एक अभियान का आगाज किया था और अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन क्लीन स्वीप। इस ऑपरेशन का मकसद था कि जयपुर शहर में बिकने वाले मादक पदार्थों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए और किसी भी सूरत में युवाओं को नशे की जद से बचाया जा सके। कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने इस ऑपरेशन में इतना बेहतरीन काम किया कि आज इस अभियान के कारण शहर में मादक पदार्थ तस्कर पुलिस के नाम से भी खौफ खाने लगे हैं। ऐसे में अब उन्होंने महिलाओं को इस तस्करी के काम में आगे करना शुरू कर दिया है। जयपुर पुलिस तस्करों के सभी मंसूबों से वाकिफ है, इसीलिए इस ऑपरेशन में अब आए दिन महिला तस्कर गिरफ्तार की जा रही हैं। इतना ही नहीं, इन महिला तस्करों से पिछले 3 दिनों में पुलिस भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ और करीबन 10 लाख रुपए की नकदी बरामद कर चुकी है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई के मुताबिक कमिश्नरेट स्पेशल टीम पहले से गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर वर्तमान में सक्रिय तस्करों पर शिकंजा कस रही है। इसी का नतीजा है कि शहर में रोजाना 3 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता मिल रही है। आयुक्तालय क्षेत्र के अंदर ड्रग माफियाओं, ड्रग तस्करों और अवैध जो नशे की जो बेचान होता था उसकी पूर्णतः रोकथाम लगाने हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों पर चल रहा है। उसी क्रम में CST द्वारा आज सूचना डेवलप करके संबंधित थाना क्षेत्रों का सहयोग लेते हुए इसमें निरंतर रूप से अच्छे सीजर्स किए जा रहे हैं ताकि ड्रग माफियाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा सके। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई के मुताबिक इस ऑपरेशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। ये टीम केवल इसी काम को देखती है जिससे कि जयपुर शहर में मादक पदार्थों की बिक्री को जड़ से खत्म किया जा सके। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पहले शहर में शिक्षण संस्थानों के बाहर नशे के सौदागर खुले आम अपनी दुकान चलाते थे, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद नशे के इस सामान को जयपुर में बेचने के लिए तस्करों को कई बार सोचना पड़ता है। एक बड़ा रीज़न है बेसिकली कमर्शियल नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर इजीली बेल का प्रावधान है और सजाओं का प्रावधान कम है। कमर्शियल क्वांटिटी में सजाएं अधिक होती है, सजा का प्रावधान कठोर है और बेल बहुत देरी से मिल पाती है। इस वजह से इन्हें बचने के लिए इन्होंने छोटी पुड़ियाओं के रूप में अपने व्यापार को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, पर पुलिस इन पर निरंतर कार्रवाई करके इनके प्रयासों को असफल करती है। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से हर वो कोशिश नशे के सौदागरों के खिलाफ लगा दी है जिससे कि शहर के युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके। ऐसे में जरूरत है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी समझें और ऐसे मादक पदार्थ तस्करों की कोई भी जानकारी मिले तो उसे पुलिस को जरूर अवगत करवाएं, जिससे कि जयपुर शहर को नशे से मुक्त करवा सकें। सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।